सब नू जय मसीह दी तुहाडा स्वागत है साडे इस YouTube चैनल जीसस कलाम विच। अज असी तुहानू इस वीडियो विच क्रिसमस ट्री बारे दसांगे। जिवें तुसी जानदे ही हो कि दसंबर दा महीना चल रहा है अते सर्दियां दा मौसम है अते असी सारे जानदे ही हां कि जिवें हर साल प्रभु यीशु मसीह दा जन्मदिन 25 दसंबर नू मनाया जांदा है अते उसे तरह हुण वी क्रिसमस दीआं तैयारियां जोरां शोरां नाल चल रहीआं। असी देखते हाँ कि लोग अपने घर ते तारे लगाते हैं, होर भी सजावट करते हैं। इस दे नाल नाल घर विच क्रिसमस ट्री नू सजाते हैं। जिन्हां घर विच क्रिसमस ट्री नहीं हुंदा, वो बाजारों एक प्लास्टिक वगैरह का बनिया होया क्रिसमस ट्री लियाते हैं अते उसनू भी पूरी तरह सजाते हैं। इसनू बहुत ही आकर्षक ढंग नाल सजाया जाता है। अजकल असी ना सिर्फ घर विच सगो दुकाना मॉलों विच भी क्रिसमस ट्री की सजावट नू देख सकते हैं। क्रिसमस ट्री की कहानी जानने तो पहला असी तुहानू दस दिए कि आखिर क्रिसमस ट्री है की। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार रुख है जिसनू क्रिसमस के मौके पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग नाल सजाया जाता है। एक क्रिसमस ट्री पिरामिड के आकार का हुंदा है अते एक तारा शिखर ते रखा जाता है। रुख नू छोटे छोटे कागज़ के फुलां लाइटां दीआं तारां चॉकलेटां तोहफियां घंटियां लाठियां आदि नाल सजाया जाता है। तुसी हमेशा क्रिसमस ते घरां विच क्रिसमस ट्री नू सजाउंदे देखिया होवेगा, पर की तुसी कदे सोचिया है कि क्रिसमस ट्री नू क्यों सजाया जांदा है? इस दे पिछे की कारण है जां की कहानी है? ईसाई धर्म दे लोकां लई क्रिसमस एक पवित्र त्यौहार है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया सी। इत्थे असी ईसाई धर्म बोलिया है क्योंकि लोकी प्रभु यीशु मसीह नू इस धर्म दा गुरु वजो जानदे हन। हालांकि बाइबल मरकुस दे 11 दे 17 अध्याय विच लिखिया होया है, परमेश्वर कहिंदा है मेरा घर सारियां कौमां वास्ते प्रार्थना दा स्थान होवेगा। क्रिसमस ट्री बारे ये मन्या जांदा है कि यह दरख्त प्रभु यीशु मसीह दे जन्म नाल जुड़िया होया है। जदों प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया सी तां उस स्थान ते मौजूद जानवरां ने भी उसनू मत्था टेकिया सी अते कोल ये ट्री भी सी जो कि प्रभु यीशु मसीह नू देख के हरा भरा हो गया सी। उदों तो क्रिसमस ट्री नू ईसाई धर्म का प्रतीक मन्या जान लगा जिसनू सदाबहार कहिंदे हन। हरे पत्तियां नाल भरिया यह दरख्त अज भी साल के 12 महीने हरिया भरिया रहिंदा है, मतलब यह सदाबहार दरख्त है। इस दरख्त नू किसी भी मौसम का कोई असर नहीं हुंदा, चाहे वह गर्मी बारिश या सर्दी क्यों ना हो, यह हरिया भरिया रहिंदा है। यह एक अजिहा दरख्त है जो कदे भी सुकदा नहीं अते बर्फ विच भी हमेशा हरा भरिया रहिंदा है। लोग ये भी मानते हैं कि जदों प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया सी तां दूत उसकी माँ मरियम अते पिता यूसुफ नू विदाई देन आई सी, जिन्हां ने उसनू तारियां द्वारा प्रकाशमान सदा बहार फर तोहफे वजो दिता सी। मतलब यह ट्री बहुत छोटे छोटे हुंदे सन। उस टाइम उदों तो ही सदा बहार इस ट्री नू क्रिसमस ट्री वजो मान्यता दिती गई। क्रिसमस ट्री नू लोग यीशु मसीह की लंबी उम्र का वरदान मानते हैं। क्रिसमस ट्री नू सजाउण दे पिछे घर दे बच्चियां दी लंबी उम्र दा विश्वास भी प्रचलित है अते उन्हां दा कहना है इस नाल घर विच सुख शांत बनी रहिंदी है अते नैगेटिव ऊर्जा नहीं रहिंदी। यही कारण है कि क्रिसमस ते क्रिसमस ट्री नू सजाया जांदा है। कुछ प्राचीन इतिहास अते कथावां यह भी सुझा दिंदियां हन कि क्रिसमस ट्री इडन दे बाग विच लाया गया सी जदों हवा ने उस रुख दा फल नू तोड़िया अते खादा जिस नू खाण तों परमेश्वर ने मना कीता सी। रुख वधना बंद हो गया अते पत्ते सुंगड़ गए अते तिखे हो गए। कहा जाता है कि रुख उदों तक नहीं वध्या जदों तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होया सी। इस तों बाद यह रुख हौली हौली वधन लगा। दुनिया विच क्रिसमस ट्री बारे अजिहियां होर भी बहुत सारियां कहानियां मौजूद हैं। ऐसी क्रिसमस ट्री की एक छोटी जिही कहानी। जेकर वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना अते चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना तां जो साडियां इसे तरह दीआं होर कहानियां तुसी देख सको। तद तक लई सब नूं जय मसीह।